नमस्कार, आपके साथ मैं अक्षय आनंद हूँ। आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं। यह यूट्यूब चैनल आपके प्यार और आशीर्वाद से बिहार का नंबर वन यूट्यूब चैनल बन चुका है। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहे, हमें फॉलो करते रहें। आज बिहार की बात में बात उस बयान की जिसने बिहार और यूपी के लोगों पर सवाल खड़े कर दिए, एक बार फिर से उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। इस बार तो कटघरे में उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत, उनके टैलेंट को भी खड़ा किया गया। और यह बयान मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में वो निवेश में जो छूट है उसकी बात कह रहे थे, छूट देनी भी चाहिए, मगर कहते कहते वो यह भी कह गए कि यूपी और बिहार के लोग यहां आकर नौकरी हासिल कर लेते हैं, जिसके कारण यहां के लोकल्स को नौकरी नहीं मिल पाती। उस दौर में जब कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष और महागठबंधन बनाने के प्लानिंग में है, उसके बाद यह बयान कितना असर डालेगा वह बिहार और यूपी में बढ़ी सियासी गर्मी ही बता रही है। जो सरकार है वो इस मामले पर मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस नेता कमलनाथ को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अब तो महागठबंधन को, कांग्रेस को सहयोग कर रहे अखिलेश यादव ने भी कहा है कि अगर यूपी के लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया तो महागठबंधन 2019 के रण में भी मुश्किल में पड़ सकती है। आज बिहार की बात में हम बिहारियों पर दिए इस बयान की बात करेंगे, साथ ही साथ वह आईना भी दिखाएंगे उन तमाम राज्यों को, राज्य सरकारों को, जो बिहारियों पर सवाल तो खड़े कर देती है, उन्हें भगाना तो चालू कर देती है, मगर उनके अर्थव्यवस्था में जो बिहारी छात्र और वर्कर्स भूमिका निभाते हैं उसे भूल जाती है। कहना बहुत आसान है मगर असलियत में झांक कर उसे देखना मुश्किल। बेशक बिहार में कुछ कमी है जिस कारण से पलायन हो रहे हैं, मगर वही लोग जो अन्य राज्यों को योगदान दे रहे हैं वो भी अभिन्न है। और संविधान ने हमें यह आजादी दी है कि हम देश के किसी भी कोने में रहें, काम करें, और इस पर कोई भी राज्य सरकार रोक नहीं लगा सकती। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ बिहार की बात में। आज हम इसी मुद्दे का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री कमलनाथ शपथ ले रहे थे, उसके बाद सचिवालय पहुंचे, घोषणाओं की झड़ी लगानी थी क्योंकि वादे भी बहुत किए थे, निवेश में प्रोत्साहन देने की बात कही, उस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किया, मगर साथ ही साथ एक और विवादित बात कह डाली जो कई सारे बिहार और यूपी के लोगों को दिल पर चोट कर गई। उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार के लोग मध्य प्रदेश आते हैं, नौकरी हासिल करते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिलती। इस बयान के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई। जो मध्य प्रदेश सरकार के विपक्ष थे यानी कि भाजपा जदयू, वह उन पर निशाना साधने लगे। बयान तो जीतन राम मांझी ने भी दिया, जो भी अभिन्न है हम वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी हिदायत दे डाली उस कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ को, जिसने यूपी बिहार वालों पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही साथ उसके बाद तेजस्वी यादव भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, और पिछले दिनों जब गुजरात से पलायन हुआ था तो तेजस्वी खुलकर सामने आए थे, उन्होंने गुजरात सरकार को हिदायत दी थी, मगर अब देखना है कि क्या वो उस महागठबंधन की सरकार को हिदायत देते हैं जिसके वो खुद भी हिस्से हैं। शुरू करते हैं आज सुबह के उस घटनाक्रम से जिससे बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ। नित्यानंद राय सामने आते हैं, और जाहिर सी बात है कि भाजपा का जो हाल कांग्रेस ने उन तीन राज्यों में किया, उसके बाद नित्यानंद राय और भाजपा का स्टैंड और बयान सामने आना बेहद ही आवश्यक था। सबसे पहला बयान आता है आज सुबह नित्यानंद राय का, मैं पढ़ के आपको बताता हूं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने ट्वीट करके लिखा है कि बिहार के लोगों पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान घोर निंदनीय है। सत्ता में आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए कि कांग्रेस पार्टी का अहंकार नजर आने लगा है, उनका मूल चरित्र खोल से बाहर आने लगा है। कांग्रेस ने सत्ता संभालते ही मध्य प्रदेश में क्षेत्रवाद का बीज बोना शुरू कर दिया है।
तो विपक्ष, जो कांग्रेस सरकार का विपक्ष है और जो बिहार में सत्ता पे काबिज है, वो आरोप लगा रहे हैं। नित्यानंद राय बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता क्षेत्रवाद फैला रहे हैं और यही कांग्रेस का चरित्र है। जदयू की ओर से भी बयान सामने आया। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा, जो प्रवक्ता भी हैं जदयू के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस इसी तरह के मानसिकता की है जिसका परिचय कांग्रेस के नेता कमलनाथ दे रहे हैं। उसके बाद जो बयान आता है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का होता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर यूपी के लोग लोकसभा में हाथ बटाना छोड़ दें तो मुश्किल में पड़ सकता है लोकसभा 2019 का चुनाव, क्योंकि 80 सीटें हैं यूपी के पास, बिहार के पास 40 है। चुनाव से इतर बात करें तो संविधान इस बात की आजादी देता है कि हम कहीं भी जाएं, कहीं भी जॉब करें, कहीं भी रहें, काम करें। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह बयान कहीं ना कहीं कई सारे सवाल उस कांग्रेस पे खड़ा करता है जो 2019 के रण में विपक्षी एकता की बात कर रही है, क्षेत्रीय दलों को मिलाकर 2019 में मजबूती से लड़ने की बात कर रही है, मगर क्षेत्र भी कैसा जब उससे यूपी बिहार हटा दिया जाए। सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा सीटें इन दो जगहों पर हैं। यहाँ के नेता भी जोर शोर से विपक्ष को मजबूत करने में लगे हैं। तेजस्वी यादव मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं, वहां वक्त देते हैं, बस इसलिए क्योंकि जो विपक्ष है वो आगे मजबूती से खड़ा उतर सके। बावजूद इसके अगर रिटर्न में हमें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी तो सरकार तो कटघरे में खड़ी होगी ही। इस बीच जो अगला बयान आता है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी का होता है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीतन राम मांझी खुले तौर पर कांग्रेस के समर्थन में उतरे हैं और उनके बयान में एक मैसेज जाहिर तौर पर दिखता नजर आता है, इसीलिए हम भी इसकी जिक्र खुलकर कर रहे हैं। और यह जरूरी है कि जब बात हो रही है तो दोनों पक्ष का स्टैंड साफ होना बेहद ही जरूरी है। जीतन राम मांझी के बयान को हम आपको पढ़कर बताते हैं, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। कमलनाथ के बयान का पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों के कारण राज्य से हो रहा यह पलायन जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के सरकारों की जिम्मेवारी है, बेशक जिम्मेवारी है। सरकारें अगर ध्यान देती तो यह पलायन नहीं होता। कमलनाथ जी के बयान से सीख लें दोनों राज्यों के सरकार, बेशक सीख लेने की जरूरत है। अगर यहाँ उद्योग, यहाँ शिक्षण संस्थानों को उस तरह से मजबूत किया जाए तो बेशक कोई अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। मगर सवाल उठता है कि जब कोई बाहर की कंपनियां, मुख्य तौर पर हम मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश को भी उस सूची में जोड़ते हैं जहां की अर्थव्यवस्थाएं चलती तो बिहारी मजदूरों और कारीगरों के बल पर है, मगर सवाल उठाने में थोड़ा भी देर नहीं लगाती। क्या ऐसा है कि हमें किसी और कारण से हायर किया जाता है? नहीं, जब इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें हर क्षेत्र के लोग बराबर बैठते होंगे, काम करने के लिए भी बराबर लाइन में, फैक्ट्रियों के लाइन में हर क्षेत्र के लोग लगते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मेहनत, हमारी टैलेंट, हमारे स्किल्स, हमारे ज्ञान के आधार पर हमें नौकरियां मिलती हैं। हम बेशक अपने काबिलियत से उन नौकरियों को हासिल करते हैं, ना कि हमें कोई क्षेत्रीय आरक्षण बाहर मिलता है। महाराष्ट्र में हमने देखा जब बाल ठाकरे ने बिहारियों को भगाने की बात शुरू कर दी, अर्थव्यवस्था हिली। कुछ ही दिनों की बात है जब गुजरात में बिहारियों पर हमले शुरू हुए तो गुजरात के जो फैक्ट्रीज थी वो ठप पड़ने लग गई। मध्य प्रदेश में भी कई सारे बिहारी वर्कर्स जाकर काम कर रहे हैं, तो यह साफ है कि हमें अगर नौकरियां बाहर मिल रही हैं तो इसका सीधा कारण हमारी मेहनत, हमारी काबिलियत, हमारी लगन, हमारा ज्ञान है, ना कि कोई और कारण। गुजरात में जब ऐसा हो रहा था तो हमने वहां के फैक्ट्री मालिकों से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बिहार से आए हुए लोग हैं वो यहाँ पर खूब काम करते हैं, अपना पूरा समय देते हैं, अपना पूरा इंटेलिजेंस और ज्ञान उपयोग करते हैं, जिस कारण से उनका डंका बोल रहा है वह काम को हासिल करते हैं। तो जब संविधान पूरे देश में घूमने की आजादी दे रहा है, काम करने की आजादी दे रहा है, रहने की आजादी दे रहा है, और बिहारी अपने काबिलियत से इन नौकरियों को हासिल कर रहे हैं,
तो उसके बाद किसी मुख्यमंत्री का ऐसा बयान आना बेहद ही निंदनीय है। जरूरत है उस अलख को जगाने की कि आप अपने क्षेत्र में लोगों को उतना स्किलफुल, उतना टैलेंटेड बनाए, उतना मेहनती बनाए कि वो आपके संस्थानों में काम करें। हमें नौकरी नहीं मिलेगी मगर जो वैकेंसी निकलती है उसमें हम नौकरियां छीन कर ले जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी बीपीएससी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो इसके बाद अब किसी सीएम का इस तरह से सवाल खड़ा करना बेहद ही चिंताजनक है। और जिस कांग्रेस को बिहार में अपनी मजबूती बनाने के लिए आगे देखा जा रहा है, राजद और अन्य दल भी समर्थन कर रहे हैं, जीतन राम मांझी का बात भी यहां पर नोट करने वाला है कि बेशक बिहार और यूपी में सुविधाओं की कमी है, हर तरह की शिक्षण और जॉब करने की सुविधा है की कमी है, मगर इसका यह मतलब कहीं भी नहीं है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किसी भी बिहारी को कहीं नौकरी करने से रोका जाए या उसके नौकरी करने पर सवाल खड़े किए जाए, जिस तरह से उत्तर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया। दरअसल कमलनाथ भी एक बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी कई सारी कंपनियां हैं। और कमलनाथ जी, एक बार आप अपने संस्थानों में झांक कर देखिए कि वहां कितने बिहारी हैं, आपके बिजनेसेस जो हैं वो खूब तरक्की कर रहे हैं, खूब सफल है, शिक्षण संस्थान भी है। मुझे यह कहने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि उसमें 50% से अधिक बच्चे बिहार से हैं। बेशक हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था की कमी है, तो हमारे बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो जमीन गिरवी रख के उन्हें बेच के आपके राज्यों में भेजते हैं ताकि वो पढ़ सकें। आपके जो संस्थान हैं वो दावा करते हैं कि उन्हें नौकरियां मिलेंगी, इसीलिए उन बच्चों के पिता सब कुछ दाव पर लगाकर अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। तो जब उन्हें बाहर नौकरियां मिल रही हैं, वो छात्र अपने काबिलियत से उन नौकरियों को हासिल कर रहे हैं, तो दिक्कत क्यों हो रही है आपको? आपके इतने सारे संस्थान हैं, अगर आपको बिहारियों और यूपी वालों के नौकरी करने से दिक्कत है तो आप अपने संस्थान में तो आरक्षण लगाकर देखिए, बंद कर दीजिए वहां एंट्री। अभी के डॉक्यूमेंट्स और अभी के जो हालात है उसे उठाकर देखिए कि बिहार से कितने लोग हैं। आपके जो शिक्षण संस्थान है उसमें बिहारी छात्रों को उन पढ़ना वर्जित कर दीजिए, ताला लग जाएगा आपके बिजनेस पर भी, आपके शिक्षण संस्थान पर भी। तो जब आपके ही संस्थान में पढ़ के बिहार के बच्चे बाहर आप ही के संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं, तो इस पर सवाल उठाना बेहद ही सोचने का विषय है। इस बात को भी हम नहीं नकार सकते कि बिहार में कमियां हैं, बिहार की सरकार को उस पर काम करना चाहिए और मजबूती से काम करना चाहिए ताकि जो अर्थव्यवस्था बिहार की कमजोर हो रही है, बाकी जगहों की मजबूत हो रही है, उसे बचाया जा सके। अगर बिहारी छात्रों को यहाँ अच्छी संस्थाएं मिलेंगी पढ़ने के लिए तो ऐसे हालात नहीं उत्पन्न होंगे कि उन्हें मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों में जाना पड़ेगा और एक भारी अमाउंट अपने माता पिता की गाड़ी कमाई का उन जगहों पर देना पड़ेगा और वहां पे फिर रहकर पढ़ना पड़ेगा। नौकरियां मिलने लगेंगी बिहार में तो भी बाहर जाना और पलायन बंद हो जाएगा। लेकिन इसके लिए बिहार सरकार तो काम कर ही रही है, मगर जो बिहारी मजदूर है, बिहारी कारीगर है, और मजदूर कारीगर ही नहीं, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों संस्थानों में, उनका भी ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। प्राइवेट संस्थान अगर बिहार में अच्छे डेवलप होंगे, बेशक वो रुकेंगे, कर्मचारी और मजदूर जो हैं वो भी रुकेंगे, लेकिन आपके कंपनियों को, आपकी फैक्ट्रियों को सदियों से चलाने में इन मजदूरों का योगदान रहा है। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए और सबसे ज्यादा तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो देश का संविधान है वो क्या कहता है। देश की एकता और अखंडता के खिलाफ कोई भी बयान देने से पहले एक बार सोचे जरूर कमलनाथ जी। लाइसिटीज की आपसे यही दरख्वास्त है, और बिहारी लोग जो हैं वो अपनी काबिलियत के आधार पर हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी क्षमता को दिखा रहे हैं, नौकरियों को हासिल कर रहे हैं। ज़रूरत है कि आप अन्य लोगों को भी उस तरह से स्किलफुल टैलेंटेड बनाएं कि वो अपने क्षेत्र में नौकरी हासिल कर पाए। लाइव सिटीज़ का इस माध्यम से कोई क्षेत्रवाद फैलाने का मंशा नहीं था, बल्कि बिहारियों की काबिलियत को सामने रखकर आपकी बयान पर सवाल खड़े कर रहे थे हम। उसकी निंदा हो रही है चारों ओर, विपक्ष भी आपको लगातार घेर रहा है। तो जब आप एक सरकार चला रहे हैं, देश का एक राज्य का सरकार, तो उसमें हर कोई है। बहुत सारे तो लोग बिहार के ऐसे भी हैं जो अब मध्य प्रदेश के वोटर्स भी बन चुके हैं, तो वो आपके ही लोग हैं, और जो नहीं भी हैं उनका भी ख्याल रखना जिम्मेवारी आपकी है। जब वो आपके क्षेत्र में है, सबसे ज्यादा जो ध्यान है वो संविधान का रहे। बहरहाल हमारी जनता के लिए यही मैसेज कि आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें,
क्योंकि बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिहार की बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।